सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परमेश्वर दे सिमरन तो बिना जीव अनेक जूनिया विच भटकदा रहिंदा है। जो जीव परमेश्वर दे नाम रस नूं छड के संसारी रसां दे स्वादां विच अपना जीवन बतीत कर दिंदे हन, फिर उहनां नूं गंदगी दे कीड़े बनना पैंदा है। जिस तरह त्रेते दे इतिहास विच एक साखी आउंदी है कि एक बार भगवान राम जी अयोध्या विच अपने राज दरबार विच बैठे सन। भगवान राम जी दी सभा महामुनि वशिष्ठ वर्गे आत्मग्यानियां नाल भरपूर सी। हर समय ब्रह्म विचार हुंदी रहिंदी सी। उस दिन भी सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ आदक अते होर सूझवान मंत्रीगण सभा विच विराजमान सन। श्री रामचंद्र जी की निगाह एक कीड़े ते चली गई जिस दियां दो पिछलियां लत्तां टुटियां होईयां सन। उस कीड़े नूं देख के भगवान राम जी खिड़ खिड़ा के हस पए। भगवान राम जी हर समय वैराग अवस्था विच रहिंदे सन। उहनां नूं हसदे देख के सारे ही ऋषि मुनि अते मंत्री हैरान हो गए, पर हसण दे कारण दा किसे नूं भी पता ना लग्या। श्री रामचंद्र जी दे गुरु वशिष्ठ जी ने पुछया कि हे राम, आप क्यों हसे हो? श्री रामचंद्र जी ने हसना बंद करके उत्तर दिता कि गुरुदेव, मैनू सुभावक ही हासा आ गया सी। वशिष्ठ जी कहण लगे कि संसार विच हसना ते रोना दो अजिहियां घटनावां हन जो कि बिना कारण तो होनियां संभव नहीं हन। जदों मनुख रोंदा जां हसदा है तां उसदे पिछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपया हुंदा है। फिर आप विष्णु दे अवतार हो, 14 कलां संपूर्ण संसार दी सत्कारयोग हस्ती हो, सभा विच बैठिया आप वर्गे धर्मात्मा दा इस तरह हसना बिना कारण तो संभव नहीं हो सकता। सारी सभा दे मन विच यह जानन दी तीबर इच्छा है कि आप जी क्यों हसे हो। आप अपने हसण दा कारण सभा विच प्रगट करना करो। गुरदेव दी यह गल सुन के श्री रामचंद्र जी कहण लगे कि हे गुरदेव, मेरे हसण दा कारण यह एक कीड़ा है जिस दियां पिछलियां दो लत्तां टुटियां होईयां हन। यह सिंघासन ते चढ़न दी कोशिश करदा है, फिर डिग पैंदा है। इस नूं देख के मैनूं हासी आ गई। यह उत्तर सुन के वशिष्ठ जी बोले कि यह यथारथ उत्तर नहीं है। संसार विच अनेक जीवां दे शरीर दे अंग भंग हन ते जो चलण तो असमर्थ हन। उहनां नूं देख के आप कदे नहीं हसे। तुहाडा सुभा किसे नूं दुखी देख के उसनूं मखौल करन दा नहीं है, सगों उस उत्ते तरस करके उसदा दुख दूर करन दा है। इस लई तुहाडे हसण दा जो असली भेद है उसनूं प्रगट करो। गुरदेव दा बचन मन के श्री रामचंद्र जी ने फिर सारी वार्ता दसी कि यह जो कीड़ा है, कीड़े दी जुन्नी मिलण तो पहला 14 वार इंद्र बन के स्वर्ग दा राज भोग चुका है। विपरीत बुद्धि होण दे कारण ते सिमरन तो बिना होण करके अज इस दा यह हाल है। पर इस दे विचों सिंघासन ते बैठण दी इच्छा खत्म नहीं होई ते वार वार सिंघासन ते चढ़दा है। इस नूं देख के मैं हसया हाँ कि जीव भावें कितना भी वड्डा हो जावे परंतु नाम तो बिना टेढ़ियां जूनां विच आउंदा जांदा है, गंदगी दा कीड़ा बन के दुख सहारदा है। वशिष्ठ जी कहण लगे कि आप सर्वग हो, सब कुछ जानते हो, पर सभा विच बैठे जीवां नूं इस गल दा ज्ञान किवें होवे? आप किरपा करके 4 घड़ियां लई इन्हां सारयां नूं सरबगता बख्शो ताकि सारे देख लैण कि सिमरन तो बिना
जीव की यह हालत हुंदी है। उस वेले श्री रामचंद्र जी ने सारिआं नूं सरबगता दित्ती ते सब ने अंतर ध्यान हो के देखिआ कि ठीक यह 14 वार इंद्र बन के राज कर चुका है, पर सिमरन तो बिना होण करके परमेशर की निगाह विचों गिर गया है, ता ही अज इस दी ए हालत होई है। सो सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि जो सिमरन तो हीणे पुरश हन वह गंदगी दे कीड़े बन के अनेक दुख सहारदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 707 उपर एक बहुत ही सोहना शब्द इस प्रथाए गुरु जी ने अंकित किया है, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहे विसूरे, सो प्रभ चेतना आवई बिष्टा के कीरे, बिन हर नाम ना शांत होए कित बिद मन तीरे। इसे प्रकार एक होर शब्द विच गुरु जी उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम, नानक बिन हर अवर जे चाहना बिष्टा किरम पसमा राम। परम विच मोहित होई बुद्धि जम लोग दे दुखा नू जानदी नहीं है, राम दे नाम तो बिना करोड़ा जुनिया विच वसदा है। गुरु जी उच्चारण करते हैं कि परमेशर तो बिना जो होर पदार्थां दा चाहना है वह सब मिथ्या है, उस करके यह जीव विष्टा का कीड़ा हुंदा है, इस दे मुख ते लाणता रूपी सुआह पैंदी है। प्राणा दे विजोग पिछों शरीर दियां तीन हालतां हुंदियां हन, एवें पई रहण करके कुत्ते आदि खा के विष्टा करदे हन, जां कीड़े खा जांदे हन, जां सड़ के सुआह रूप हो जांदी है। इसे प्रकार सतगुरु जी अंग 426 ते फरमाउंदे हन, भगत रते से उत्तमा जत पत सबदे होए, बिन नावै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए। सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि जेड़े मनुख प्रभु की भगति दे रंग विच रंगे जांदे हन ओही उच्ची जात वाले हन, गुरु दे शब्द विच जुड़िया ही उच्ची जात बनती है अते उच्ची कुल बनती है। प्रभु दे नाम तो सखणी सारी लुकाई ही नीवी जात वाली है, नाम तो खुंज के लुकाई विकारां दे गंध विच टिकी रहिंदी है, जिवें विष्टा दा कीड़ा विष्टा विच मगन रहिंदा है। बिन करमा सब परम पुलाई, माया मोहे बहुत दुख पाई, मनमुख अंधे ठौर ना पाई, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे समाई। प्रभु दी बख्शिश तो बिना सारी लुकाई नू भटकना ने कुराहे पा रख्या है, वाहेगुरु दी मेहर दे बाजों सारे ही संदेह अंदर भुले फिरदे हन, माया दे मोह विच फस के लुकाई बहुत दुख पौंदी है। धन दौलत दी लगन राही बंदा कनेरी तकलीफ भोगदा है, अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनुख माया दे मोह विच अन्ने होए रहिंदे हन, मोह ग्रसिया मनुख आत्मक शांति दा टिकाणा प्राप्त नहीं कर सकदा, विकारां विच ही फसिया रहिंदा है, जिवें गंद दा कीड़ा गंद विच ही मस्त रहिंदा है, वह गंदगी दा किरम है अते गंदगी अंदर ही गल सड़ जांदा है। माया के वापारा जगत प्यारा, आवण जाण दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माहे समाई। जिन्हां नूं जगत विच माया दा व्यापार प्यारा है वह जन्म मरण दे गेड़ विच दुख पाउंदे हन, संसारी धन दौलत दे वणज नूं प्यार करदा है अते जम्मण ते मरण द्वारा कष्ट भोगदा है। इंज मनुख जहर दा कीड़ा बणिआ रहिंदा है, इसे जहर नाल चंबड़िआ रहिंदा है, इसे गंद विच आत्मक जीवन मुका लैंदा है ते गंदगी अंदर ही गर्क हो जांदा है। जो तुर लिखिया सोए कमावै कोई ना मिटण हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मूए गावारा।
गुरु जी फरमाते हैं जिहड़े मनुख परमात्मा दे नाम रंग विच रंगे रहिंदे हन ओह सदा ही आनंद माणदे हन। बाकी तां मूर्ख हन जो होरना नूं ही उपदेश कर करके गवारपुणा कमाउंदे हन। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।